हिंदी में इसी को क्या करते हैं, च के जगह क्या हो जाता है उसमें आल और लगता है, या लगता है, अथवा भी लग सकता है। तो वैसे संस्कृत में क्या होगा यहाँ पे, राम, हाँ राम च, हाँ। तो इस तरह से जब विग्रह कर रहे हैं तो वो इस तरह से एक पर विग्रह करना मतलब पद को अलग करना होता है। अब बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के 6 भेद हैं। मैम कौन कौन से छह हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विपद, वर्ग समास और हो गया बहुव्रीहि। कुछ डाउट है तो किससे इससे डिस्कस कर रहे हैं? ऐसी आवाज आ रहा है। ये 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, है ना। तो इस तरह से समास के 6 भेद हैं। तो फर्स्ट देखेंगे अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में प्रथम पद और प्रायः अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी नाम से समझ आ रहा है अव्यय, जिसका कोई व्यय नहीं होता। यहाँ पे अव्यय का एक मतलब होता है जिसमें कोई यानी चेंजेस नहीं कर सकते, जिस वर्ड को कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाता है अव्यय। तो जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या है, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा देखेंगे, यथा बलम। यहाँ पे ये जो वर्ड है यथा, इसमें कोई चेंज कर सकते हैं क्या, परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये, हाँ, तो इस तरह से ये जो यथा लिखा है वैसे ही प्रतिगृहम है, प्रत्यक्षम है, आमरणम है, निर्जनम है, उपकृष्णम है। तो जिसका पहला पद अव्यय हो, ये पहला पद अव्यय हो जिसमें कोई परिवर्तन वचन में हो या लिंग में हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता या विकार नहीं होता, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। इसके और भी उदाहरण है, जैसे ग्राम गता, सॉरी ये वाला, निर्जनम। तो इस नी का अव्यय का इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जब इसका विग्रह करेंगे ये क्या कहलाएगा, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव। सेकंड ले लेते इसका प्रतिगृहम। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गृहम गृहम। तो इस तरह से जो प्रथम पद अव्यय है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास। के बहुत सारे उदाहरण आप इसमें देख लेंगे। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हाँ, दूसरा ही है उत्तर पद, किसको कहा जा रहा है, दूसरे पद को ही उत्तर पद कहा जाता है ना। तो
तो सिंपल वर्ड में बता दे रही हूँ, इसमें जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई भी विभक्ति का हो सकता है। अब इसके भी अलग अलग भेद बताया गया है इसमें, आपको मेन जो है परिभाषा वो ध्यान देना है और उदाहरण सबका एक जैसे ही लिख के रखना है। तो इसका उदाहरण है जीवन प्राप्त, तो यहाँ पे आएगा जीवन प्राप्त सेकंड पे। तो इसका उदाहरण देखिए, जीवन प्राप्त लिखा है, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो जीवनम प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही है। और उदाहरण पाठशाला, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो पाठाय शाला, आपके बुक में और देखिए कौन कौन सा है, सूर्योदय है। यस मैम। राम गता अनादर, राज भयम लिखा है ना, इसका क्या होगा, राज्ञा भयम। वृक्ष पतिता वृक्षात पतिता, पाप मुक्त पापात मुक्तम मुक्ता, सॉरी। तो ये इस तरह से तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब थर्ड देखिए, कर्मधारय समास। देखिए थर्ड है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में विशेष से विशेषण का भाव होता है, विशेष और विशेषण का भाव होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के लिंग वचन विभक्ति समान होता है, कोई परिवर्तन चेंज नहीं होता, समान रहेगा। तो अब इसके मुख्य बातें और होती है इसमें, इस पद में प्रथम पद, जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद या द्वितीय पद जो होगा विशेष्य होगा। तो यहाँ लिखा ही हुआ है विशेष्य और विशेषण की जो का भाव जो होगा वहां पे वो कहलाएगा कर्मधारय समास। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे,
कृष्ण सर्प लिखा है। कृष्ण सर्पा, अब इसको इसमें क्या है बताइए, ध्यान देने वाली बात, कृष्ण क्या है यहाँ पे, हाँ, और वो और उसका विशेष्य क्या है, सर्प है, तो विशेषण किस लिए, क्या विशेषण समझ आता है ना, किसको बोला जाता है बताइए, मैम माइक ऑफ कर फिर से। तो यहाँ कृष्ण सर्प लिखा है, इसमें प्रथम पद विशेषण है और द्वितीय पद जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य है, तो कृष्ण है विशेषण और उसकी क्या विशेषता बता रही है, वो सर्प की विशेषता बताया जा रहा है, तो वहां पे सर्प को विशेष्य के रूप में बताया गया है। वैसे ही है नील गगनम, नीला है गगन बोला जाता है, तो गगन क्या हुआ बताओ, विशेष, गगन विशेष्य है और नील, नीला नील जो है वो विशेषण में आ गया। तो महाज्ञानी, महाकाव्यम, वीर पुरुष, सुंदर नारी, पीताम्बरम, लंबोदरम, चंद्रमुखम, इस तरह से ये सारे कर्मधराय समास के उदाहरण है। आपका जब विग्रह करोगे तो उसके विग्रह रूप को भी लिखना है, दर्शाना है। तो पीताम्बरम है तो पीतम अम्बरम, लंबोदरम तो लंबम उदरम, ठीक है, इस तरह से इसका विग्रह होगा। अब आपका नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की क्या विशेषता है बताइए, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। हाँ, जिस द्विगु समास है चौथा नंबर पे देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के संबंध में मुख्य बातें हैं जो जानने लायक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विगु समास भी कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास का एक भेद है। जब कर्मधारय में प्रथम पद संख्या हो तो वहां पे द्विगु समास होता है, प्रथम पद है ना, और यह समास प्रायः समाहार समूह में अर्थ को दिखाता है, यानी समूह में इसका संबोधन किया जाता है, एक समूह होता है, एक सिंगल ग्रुप में नहीं दिखाया जाएगा, एक ग्रुप या समूह में इसका विच्छेदन होता है। समाहार द्विगु एक वचनांत होता है, जैसे पंचम पत्राणि नहीं, तो क्या लिखा है, एक वचन में ही ये होता है। अब इसके बाद इसका उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट उदाहरण दिया त्रिलोकी, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बताएंगे इसको, समाहारा, तो तीन, जैसे बोला जाता है ना हिंदी में तीन लोगों का समूह,
तो वैसे यहाँ पे हम संस्कृत में बता रहे तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारायने, तीन लोगों का समूह। नेक्स्ट दिया है त्रिभुवनम, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। वैसे ही चतुर युग्मम, तो त्रि चतुर ये क्या है, ये सब संख्यावाची पद है। वैसे ही लिखा है पंचवटी, पंचमूली, पंचम पात्रम, तो इस तरह से ये सब समाहार यानी समूह के रूप में इसको जब विग्रह करेंगे तो दर्शाएंगे। अब आता है नेक्स्ट द्वंद समास। नेक्स्ट है द्वंद समास। जिस पद में दोनों पद या सभी पदों का अर्थ होता है उसे द्वंद समास कहा जाता है। अब इसमें सिंपल से दे दिया, इसको देखिए, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी सभी पदों की प्रधानता होती, दोनों पद ही प्रधान होंगे, प्रथम और द्वितीय या प्रथम या उत्तर पद, तो वहां पे द्वंद समास होगा। इसका अर्थ करने पर दोनों के बीच में और अर्थ निकलता है, और या फिर अथवा लगाते हैं वो निकलता है। कुछ जगह द्वंद समास होने पर समूह का भी अर्थ होता है और पूरा एक पद एक वचनांत हो जाता है। तो यहाँ पे जब विग्रह करते हैं तो क्या लगाएंगे, और हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी में और या अथवा इस सब का लेते हुए उसको विग्रह करते हैं। जब हम संस्कृत में करेंगे तो क्या हो जाएगा, च वर्ड का प्रयोग करेंगे, च। तो यहाँ उदाहरण दिया है पिता पुत्रो, पिता च पुत्रश्च, तो पिता और पुत्र। नेक्स्ट है पुत्र कन्ये, बालको भी लिखा है, बालको बालिका च बालस्य च, बालक और बालिका च करके। पुत्र कन्ये, पुत्रस्य कन्यश्च, तो यहाँ पे आप इस तरह से विग्रह करके देख जाएंगे। बहुव्रीहि समास लास्ट छठवा देखिए। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। सिंपल से लिखा है, इसको आप इस तरह से देखेंगे, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, और बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य विशेष पद के विशेषण बन जाते हैं, यानी किसी तीसरे की विशेषता बताया जा रहा। अन्य का मतलब हुआ तीसरा, यहाँ पे दो पद लिखा है वो किसी तीसरे की विशेषता बताया जा रहा है, यहाँ बताते हैं। तो जैसे दिगंबरा, तो दिग अंबरम अस्य सा, यस्य सा, तो दिगंबरा हो गया। वैसे ही श्वेतांबरा, नीलोत्पलम, तो इसका अर्थ बताना है किसके लिए है, ये जो दिगंबरा लिखा है किसके लिए है, किसी तीसरे का अर्थ दिखा रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना भी है क्या लिखा है, शंकर। वैसे ही श्वेतांबरा, श्वेतम अंबरम यस्य स, तो वो किसके लिए था, सरस्वती। तीसरा जो मतलब किसी तीसरे का अन्य की विशेषता बता रहा वो है वो सरस्वती, यानी जिसका श्वेत अंबर है, जिसका यानी सरस्वती। तो इस तरह से इसके छह पद, छह भेद हैं समास के, और सब सबका उदाहरण आपको लिखा हुआ है इसमें, आप इसको याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, कॉपी में नोट करके रखेंगे, ग्रामर कॉपी में। क्लास को कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग भी।
क्लास में भाई क्या है कर रही क्लास लीव कर रही हूँ के मैम।